महाराज जी, हर साल की भांति या इस बार भी 5100 किलो का भोग लगाया जा रहा लड्डू का। हमारा दुधेश्वर गणपति महोत्सव, हमारे दुधेश्वर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग जी ने 5100 किलो का लड्डू का भोग लगाया भगवान को जो है। और विजय मित्तल जी, हमारा सिंगार सेवा समिति जी ने 11 दिन में 50 कारीगर दिल्ली से लाकर जो है लड्डू को तैयार करके आज भगवान का भोग लगाया। गणपति जी आज जो है गणेश चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन जहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं। हमने 2000 के बाद में करीब 18 साल के आसपास हो गया निरंतर हम लोग गणेश चतुर्दशी मनाते हैं अलग अलग रूपों में भगवान का। और ये जो है इस बार हम लोग जो है 3 दिन के लिए विशेष रूप से उनका पूजा का है। शास्त्रों में, वेदों में कहा कि गजाननम भूतगना दिशेवितम कपीत जम्बू फलचार कुशलम उमाशतम शोक विनाश कर नमामि विघ्नेश्वर सर्वपद भंगजम। सब प्रकारों के विघ्नों को दूर करने वाले गणपति जी है। और महाराज का गणपति जी का आज जो है हमारा विराजमान हो गए हैं। अनंत चतुर्दशी तक चलेगा, परंतु हम लोग 3 दिन का यहाँ पर पूजन करके इनका विसर्जन करते हैं। 16 तारीख को विसर्जन होगा। आज जो है 5100 किलो का ये लड्डू जो है आपके सामने है गणपति जी को भोग लगाने के लिए। आज भोग लगाया है और उसके बाद इसका प्रसाद वितरण होगा। महाराज जी, धूप घास चढ़ाने का क्या महत्व है? धूप घास का क्या महत्व? ये एक तरह से मोदक और दुर्वा, मोदक और दुर्वा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, तो उनको भोग लगाने के लिए ये